तूड़ा यानी कि जो चारा है भैंस का वो आएगा, और उस साइड जो मशीन के जो दाने हैं वो निकलेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा बाद। वेलकम टू द चैनल दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा अलग है। आज का जो वीडियो है वो किसान भाई से रिलेटेड है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे किसान भाई है वो कितनी मेहनत करते हैं। जब लॉकडाउन चल रहा था तब सभी जो है अपने घर में बैठे थे, बिल्कुल फ्री, कोई काम नहीं कर रहे थे, और लोगों को लग रहा था कि टाइम पास नहीं हो रहा। उस समय पे जो किसान है वो क्या काम कर रहे थे वो मैं आपको दिखाऊंगा। वही जो है उसके थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस तरह से मेहनत करते हैं। तो आप ये व्लॉग देखिए, तब तक मैं जो प्लांटों की थोड़ी सी देखभाल कर लेता हूँ। हेलो एवरीवन दोस्तों, अभी खेत में मशीन आने वाली है, तो जो हमने फसल काटी थी उसको पहले इकट्ठा करते हैं, फिर मशीन आएगी फिर उसको कटवाएंगे। और आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या पहन रखा है, एक्चुअली में क्या वहाँ पे धूल ज़्यादा उड़ेगी तो इसलिए इस चीज़ में लग जा रहा हूँ। और इसको इस तरह से करके बिल्कुल बंद कर लेंगे, तब जाके काम होगा। थोड़ा थोड़ा जो गेटअप है वो साईं बाबा जैसा दिख रहा होगा। अगर आपको भी साईं बाबा जैसा गेटअप लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं। थोड़े दिन पहले जो खेत है वो सारे हरे थे, अब देखिए सारे खेत खाली हो गए। जो फसल है वो काट ली है, उधर सामने जो है वो तो काट दिए, यहाँ जो खेत है हमारे घर के साथ में उसका भी काटेंगे। और हमारी तो अभी जो है इकट्ठी नहीं हुई है, पहले इसको एक जगह इकट्ठा करना होगा, उसके बाद ये कटेगी। ये जितने भी छोटे छोटे गट्ठड़ आपको दिख रहे हैं, इन सब गट्ठड़ को एक जगह लगाएंगे, फिर वहाँ पर मशीन आएगी। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं काम और फिर मिलते हैं हम। थोड़ी सी बच गई है गठड़ी, बाकी उस साइड तो अभी भी काफ़ी बची हुई है। और देखिए एक गठड़, जो तीन गठड़ बड़े बड़े हैं वो लगा दिए हैं, ये थोड़ी सी और लेके जाता हूँ, फिर आगे की साइड की कुछ बच गई है, बाकी बच्चों ने लगा दी है, वो और करते हैं कलेक्ट। दोस्तों पूरा खेत जो है खाली हो गया है, अब लास्ट की जो दो गठड़ी है वो मेरे पास आई है, लेके चलते हैं। दोस्तों देखिए पूरा खेत जो है वो खाली हुआ है, सारी जो गठड़ी है वो हमने यहाँ पे कलेक्ट कर दी है। सामने वाला जो खेत है उसमें मशीन लगी हुई है, तो हमारे यहाँ पे आने में टाइम लगेगा। दोस्तों सुबह आनी थी मशीन और अब आई है, 5 बज चुके हैं, अब चलते हैं खेत में। दोस्तों ये थ्रेसर मशीन है, तो चला तो यहाँ पे जो ये चीज जो दिख रही है, यहाँ पे जो तूड़ा यानी जो चारा है भैंस का वो आएगा, और उस साइड जो मशीन के जो दाने हैं वो निकलेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा बाद में लास्ट में। अभी मैं थोड़ा सा काम कराता हूँ, पहले लास्ट में जो थोड़ा सा बचेगा ये सारा, देखिए जितना भी दिख रहे आपको सारे गट्ठड़ जो इसके अंदर जाएंगे वो आपको मैं लास्ट में कुछ बचेगी तब दिखाऊंगा। आवाज चल गई है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है।
दोस्तों अभी जो बाइक है वो लेके जाऊंगा और बाइक से जो दाने निकाले हैं जो गेहूं के वो लेके आएंगे, उस पर जो कट्टे हैं वो रखकर। तो चलिए बाइक लेके चलते हैं। अब हम चलेंगे रास्ते से नहीं चलेंगे, जो भैंस जहाँ बंद रही है उस साइड से। दोस्तों तो होप आपको जो है ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, कुछ भी आप शेयर करना चाहें किसान के लिए, आप क्या कहना चाहते हैं, उनको थैंक्स कहना चाहते हैं, तो भी जो भी कुछ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।